Hello students, welcome back in my channel Best Commerce Classes. My name is Shivani and आज हम लोग अपना point number 2 accounting principles का जो हम लोग chapter 3 पढ़ रहे हैं theory base of accounting उसकी बात करेंगे उसको समझेंगे. तो चलिए let's start our class. ठीक है, तो point number 3 जो 2 है वो बात करता है money measurement principle की. यानी कि ये जो प्रिंसिपल है कि बात करता है कि जो भी चीजें जो भी ट्रांजैक्शन या जो भी इवेंट मनी में होंगे उन्हीं को हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है, जो अदर देन मनी है या नॉन मनी ट्रांजैक्शंस है उनको ये अकाउंट फॉर नहीं करता है. ठीक है, तो ये प्रिंसिपल उसी के ऊपर बना हुआ है. इस बात को फॉलो करते हुए ही हमें अपनी बुक कीपिंग करनी होती है. ओके, तो देखिए अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स that can be measured in money terms are recorded in the books of account of the enterprise. यानी कि ये यही कह रहा है कि money measurement principle के according वो transaction या event जो हम measure कर सकते हैं money में. ठीक है, मतलब कि जैसे कोई भी purchase हुआ, sale हुआ, कोई भी transaction हुआ, उसकी value हम उनको measure कर सकते हैं money में. यानी हम उसका valuation कर सकते हैं कि अगर हमने जो है 10,000 मतलब कि 10,000 जो है क्लोथिंग के पैकेट्स खरीदे तो 10,000 क्लोथिंग के पैकेट्स की वैल्यू किस में मेजर कर सकते हैं मनी में. अगर हम कर सकते हैं तो फिर उस ट्रांजैक्शन को उस इवेंट को हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे. ओके, तो वही ये कह रहा है दैट कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ एंटरप्राइज. एंटरप्राइज की बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे वो ट्रांजेक्शन जिनका वैल्यूएशन हम मनी में नहीं कर सकते हैं, उनकी एंट्रीज हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं करते हैं. यहाँ पे बेसिकली इस तरह के आपके ट्रांजेक्शन आ जाएंगे जहाँ पे मतलब कि जैसे फीलिंग से रिलेटेड हो या फिर आपके बिहेवियर से रिलेटेड हो, तो वो सारे ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जिनका वैल्यूएशन हम मनी में नहीं कर सकते, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं करते हैं. Stating differently, money is the common denominator in recording and reporting transaction. दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो money एक तरह से common denominator का role play करती है during reporting and recording. मतलब आप recording करते समय तो इस बात का ध्यान रखते ही हो कि जो भी transaction money में हो, जो events money में, उन्हें ही recording करना. इनफैक्ट आप reporting के time पे भी आपको ये ध्यान रखना होता है कि रिपोर्टिंग भी आप उन्हीं ट्रांजेक्शन की करोगे. रिपोर्टिंग से सेंस यहाँ पे जब हम अपनी एनुअल रिपोर्ट्स को तैयार करते हैं उस टाइम पे हमें उन ट्रांजेक्शन्स को ही कवर करना है, उन ट्रांजेक्शन को ही पिकअप करना है जो मनी में मेजर हो सके. ठीक है, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को हम अपनी रिपोर्टिंग का भी पार्ट नहीं लेंगे. ओके, तो यहाँ पे ये बोलते हैं, उसके बाद आगे कुछ इसकी लिमिटेशन है जहाँ पे ये वर्क नहीं करता है प्रिंसिपल, एक बार उसको भी हम लोग देख लेते हैं. ठीक है, हमारी जो पहली लिमिटेशन है वो लिमिटेशन मतलब कि एक तरह से बाधा या रुकावट पैदा करना किसी भी ट्रांजेक्शन में. यानी कि इसके लिए बाधा क्या होगी, यही होगी कि ये वहां पे प्रिंसिपल काम नहीं करेगा जो आपके नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है. ठीक है, तो वही उसकी लिमिटेशन है. तो देखिए ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इन मनी. देखिए जो नहीं मेजर किया जा सकता मनी में, मनी टर्म्स में, आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हाउसोएवर इंपॉर्टेंट दे मे बी टू द एंटरप्राइजेस. ठीक है, मतलब वो कितने भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो एंटरप्राइज के लिए, लेकिन अगर वो मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते तो उनकी रिकॉर्डिंग हम नहीं करेंगे. ठीक है, आगे इन्होंने एग्जाम्पल देके समझाया है. ये कह रहे हैं ह्यूमन रिसोर्सेज विद द एंटरप्राइज आर इम्पॉर्टेंट टू द एंटरप्राइज बट आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट because they cannot be measured and expressed in money terms. ठीक है, human resources एक enterprise के लिए बहुत important role play करते हैं, लेकिन वो जो है financial statement में reflect नहीं होते. क्यों? क्योंकि उन्हें हम money के terms में measure नहीं कर सकते, express नहीं कर सकते. human resources से यहाँ पे मतलब यही हो गया कि एक enterprise में कितनी man power है, कितनी capable है, कितनी non capable है या कितनी eligible है उस work को करने के लिए जिससे उनके behavior और स्ट्रेंथ का पता चले, लेकिन वो सब मनी के टर्म्स में वैल्यूएबल नहीं है, मेजर नहीं कर सकते, तो वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्टिंग में वो कभी भी उसका हिस्सा नहीं बनेगा. उसमें हम कभी भी उसको नहीं शो करते हैं. ठीक है, ना ही उसका कुछ वैल्यूएशन करते हैं. वो अलग बात है कि उनकी
अगर सैलरी से रिलेटेड है, कितना वेजेस दे रहे हैं, कितना पेमेंट कर रहे हैं, कितना सैलरी दे रहे हैं, तो वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बनेगा। लेकिन जहां पे उनके बिहेवियर से रिलेटेड, उनके ग्रूमिंग से रिलेटेड की बात होगी, जिसमें फाइनेंशियल या फिर मनी का कोई रोल नहीं है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन, ऐसे इवेंट को जो है ये प्रिंसिपल एकदम हटा देता है, ये उसकी लिमिट आ जाती है, ये उसका एक तरह से डिसएडवांटेज है जहां पे ये काम नहीं करता है। ठीक है, तो आई होप सो स्टूडेंट आपको आज का वीडियो जो है हमारा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल के ऊपर आपको समझ में आया हो, आपको पसंद आया हो। और अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया, पसंद आया, तो प्लीज गिव मी अ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन बटन, जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मेरे अपकमिंग वीडियोज के मिलते रहे। आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।